भाई मुझे नहीं समझ आता ये सब, बट फिर भी चलो बताओ। शुक्रिया अम्मी, आप मेरी आखिरी उम्मीद हैं। ना भाई, समझ में मेरी कुछ आता नहीं है, फिर तुम मुझसे पूछने बैठ जाओगी हर तरह के सवाल। आप भी तो पूछती हैं, तो मुझे भी पूछना पड़ता है जवाब देने के लिए। अम्मी, मेरा कल टेस्ट है, आप तैयारी नहीं करवाएंगी तो कौन करवाएगा? भाई हमने थोड़ी कहा था वकालत पढ़ने को, हैं? लगता है दाखिला तुमने लिया है मगर पढ़ हम रहे हैं। अच्छा अम्मी, इस बार आप सिर्फ सुनिए, कोई डिस्कशन नहीं होगी, मेरा वादा। इतना तो कर सकती हैं ना आप? अच्छा ठीक है। तो मैडम सबा ने बताया कि बीवी जवियुल फुरूस के जुमरे में आती है। ज़वियुल फ़ुरूस क्या होता है? अब आप खुद सवाल पूछ रही हैं। अरे तुम ही ने तो कहा था तुम्हारी तैयारी करवाऊं। सुन्नी कानून के मुताबिक विरासत में हकदार की तीन किस्में हैं। एक जवियुल फुरूस, जिनके हिस्से मुकर्रर हैं और उनका हक कोई नहीं छीन सकता। दो जवियुल असबात, जो बाकी बची हुई विरासत के हकदार हैं। तीन जवियुल अरहाम, यानी दूर पार के रिश्तेदार। आमतौर पर रिश्तेदारों या बिरादरी के लोगों को तरके में हिस्सा नहीं दिया जाता। ये सिर्फ जवियुल फुरूस और इसबात की गैर मौजूदगी में विरासत में हिस्सेदार बनते हैं। गैर मौजूदगी यानी जैसे रफा भाई दुबई में थे जब उनके अब्बा मरे थे और उनके भाइयों ने उनकी जायदाद का हिस्सा खा लिया था, है ना? नहीं, यानी तरके में सबसे पहला हक जवियुल फुरूस का है। औलाद के अलावा भी कोई इसका हकदार है? बिल्कुल, इनकी कुल तादाद 12 है, जिनमें 4 मर्द और 8 औरतें हैं। रुकें, मैंने अपनी कॉपी में सब लिखा था। मर्द, शौहर, बाप, दादा या नाना और मादरी भाई। है? मादरी भाई? औरतें, बीवी, माँ, नानी या दादी, बेटी, बेटी की बेटी, सगी बहन, पितरी बहन, मादरी बहन। ये मादरी पिदरी भाई बहन क्या मतलब? क्या मतलब? देखो ये मादरी पिदरी भाई बहन क्या मतलब? कोई तुमसे बोलेगा कि तुम मेरी बेटी हो तो तुम बोलोगी कि मादरी बेटी हूँ। अगर दो बहन भाई दो मुख्तलिफ वालिदैन से हैं, तो कानून इस बात को वाजे कर देना चाहता है। अरे तो सौतेला कह दो। किस तरफ से? माँ की तरफ से या बाप की तरफ से? मगर ये बेटी की बेटी तो ज्यादा था ना, नवासी तो कह सकते हैं। अच्छा तो कानून ये बताता है कि इन सब औरतों को कितना हिस्सा मिल सकता है, राइट? जी, विरासत में मुख्तलिफ औरतों के मुख्तलिफ हिस्से हैं। एक सेकेंड, मैंने सब लिखा हुआ है, मैंने सब याद भी किया है। आपको समझाऊं? अगर हम सिर्फ औरतों के हिस्से की बात करें तो समझना आसान होगा। तो फर्ज करें, अगर मुतवफी की एक बीवी, वालदा, दो बहनें और दो बेटियां हैं, तो बीवी का हिस्सा 1/8 होगा, माँ का हिस्सा 1/6 होगा। मुतवफी की दो बेटियां हैं, तो उनका हिस्सा 2/3 दोनों बेटियों में बराबर तकसीम होगा। आपको समझ आ रहा है? हाँ, अभी तक तो सब समझ में आ रहा है। अब रह गई दो बहनें। जब तक मुतवफी की औलाद मौजूद है, बहनों का कोई हिस्सा नहीं बनता। उनको हिस्सा सिर्फ इस सूरत मिल सकता है जब तक मुतवफी की कोई औलाद ना हो। तो फिर जायदाद में से 2/3 हिस्सा उन बहनों में बराबर तकसीम होगा। अच्छा तो अगर मुतवफी की कोई औलाद नहीं है तो बाकी हकदारों का हिस्सा बढ़ेगा या कम होगा? जी, बढ़ेगा। औलाद ना होने की सूरत में बीवी का हिस्सा 1/4 होगा, माँ का हिस्सा 1/3 होगा। बहनों में भी पिदरी और मादरी बहनों का हिस्सा मुख्तलिफ होगा। जैसे एक पिदरी बहन या सगी बहन है तो विरासत का आधा हिस्सा मिलेगा, एक से जायद है तो 2/3 हिस्सा सब बहनों में बराबर तकसीम होगा। एक मादरी या सौतेली बहन है तो 1/6 हिस्सा मिलेगा, और एक से जायद बहने हैं तो 1/3 हिस्सा सब बहनों में बराबर तकसीम होगा। तो मतलब पितरी या मादरी बहनों का हक तब बनता है जब मुतवफी की कोई औलाद ना हो, है ना? जी बिल्कुल, और ये भी जवियुल फुरूज में शामिल है।
अगर मुतवफ़ी के वालिदैन वफात पा गए हों तो ज़वीउल असबात में शामिल अफराद नानी या दादी हयात हैं तो उनको जायदाद में से एक बटा छह हिस्सा मिलेगा, और अगर बेटे की बेटी हो और बेटा वफात पा गया हो तो बेटी को जायदाद का आधा हिस्सा मिलेगा, और अगर एक से ज़ायद बेटी हो तो दो बटा तीन हिस्सा सब बेटियों में बराबर तकसीम होगा। अगर मुतवफ़ी का बेटा हो तो फिर बाकी बहनों को कितना हिस्सा मिलेगा? अगर बेटा है तो बेटियों को बेटे के हिस्से का आधा हिस्सा मिलता है। मगर शम्मो खाला है ना, पिछली गली वाली, पता है उनके भाई ने उनका हिस्सा खा लिया था। ये बताओ कि उन्हें अब क्या करना चाहिए? उन्हें कानून का सहारा लेना चाहिए और अपनी अर्जी कोर्ट में पेश करनी चाहिए। वो मनकूला और गैर मनकूला जायदाद में अपने हक के लिए एक मुश्तरका अर्जी भी दाखिल कर सकती हैं, लेकिन इससे ज्यादा मालूमात मिस सबा फराहम कर सकती हैं। कितनी अजीब सी बात है ना, हमें ये सब पता भी नहीं था। अनीका बेटा, मैं अगर मोहल्ले में चाय का एहतमाम करूं तो क्या तुम ये सबको समझाओगी? जी क्यों नहीं, बल्कि मैं मिस सबा को भी दावत दे दूंगी। जबरदस्त, अच्छा है मोहल्ले की औरतों को भी अपने हुकूक पता चलें। चलो अब मैं चलती हूँ, लेकिन अगले हफ्ते हम अपनी महफिल रखते हैं। हाँ जी ठीक है। अच्छा एक और बात, मिस सबा ने हमें एक नंबर भी दिया है जहाँ विरासती हुकूक के मुतालिक मजीद मालूमात के लिए कांटेक्ट किया जा सकता है। ये आप नोट कर लें, 0800-70-80-06। सिंध लीगल एडवाइजरी कॉल सेंटर सिंध गवर्नमेंट के लॉ डिपार्टमेंट की शराकत में चलाया जाता है। विरासती हुकूक के हवाले से मुफ्त कानूनी मशवरे के लिए सिंध लीगल एडवाइजरी कॉल सेंटर को 0800-70-80-06 पर कॉल करें।